students welcome back in hort 111 fundamentals of horticulture lecture 23 irrigation in this lecture i will cover what is irrigation why irrigation or water is required factor affecting supply of irrigation water different irrigation methods used in horticulture crops like check basin ring basin furrow uh, pitcher uh, drip irrigation दिस टॉपिक इरीगेशन सिंचाई क्या होती है इट इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट इन द इवेंट ऑफ शोर्टेज ऑफ नेचुरल रें इन ऑर्डर टू ऑप्टेन रेपिड ग्रोथ एंड इंक्रीजेज इल्ड अपने किस प्रकार से इसको प्रभाषित कर सकते हैं जो सिंचाई है उसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक तरीके की कृत्रिम पानी की सप्लाई यानी कि पानी को कृत्रिम रूप से देना जब नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से जो बरसात है उसकी शॉर्टेज होती है कमी होती है उस समय जिससे कि अपने पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को अपटेन कर सके तेज़ी से ग्रोथ ऑप्टेन प्राप्त कर सकें और उसकी उपज ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकें मतलब उपज और उसकी पौधे की वृद्धि को तेजी से बढ़ाने के लिए उसको प्रकृतिम रूप से पानी देना फसल को पानी देना जब बरसात की कमी होती है उस समय वो इरिगेशन कहलाता है सक्सेस सक्सेस इन गार्डनिंग डिपेंड्स ऑन हाउ एफिशिएंटली इरिगेशन आर प्रोवाइडेड टू गार्डन बिकॉज इट इज़ गवर्न बाय मैनी फैक्टर्स सच एज़ फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन इंटेंसिटी सोर्स एंड मेथड ऑफ सप्लाई जो गार्डन है बगीचा है या औरड है उसकी जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो इरिगेशन सिंचाई दी गई कितनी एफिशिएंटली दी गई है ठीक है कितनी मतलब प्रभावी तरीके से उसको दिया गया है और बहुत से फैक्टर इस चीज़ को प्रभावित करते हैं जैसे उसकी बारंबारता, ताजा कह लो कि अंतराल ठीक है कितनी बार दिया गया सिंचाई वो चीज़ इसके अलावा ड्यूरेशन अंतराल है जो ठीक है इसके अलावा इंटेंसिटी है कितनी मात्रा में दिया गया पानी हल्की है या लाइट है या हैवी है इसके अलावा सोर्स क्या है किस सोर्स से सिंचाई की गई जैसे कुएं से की गई है या फिर कोई नहरी है ठीक है जहाँ किसी डैम से या किसी और से पानी लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है जहाँ मेथड ऑफ सप्लाई कि भाई कौन सी विधि से कौन से जो सिस्टम है उससे सिंचाई की गई है ये चीज़ें सभी आ, उस चीज़ को डिवाइ इरीगेशन जो सिंचाई है उसको प्रभावित करती हैं फिर है सोयल नीड द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू मतलब सिंचाई की मिट्टी को क्यों क्यों आवश्यकता होती है कि भाई मिट्टी में पानी क्यों दिया जाता है रिमूव स्ट्रेस कंडीशन पहला तो है कि जो स्ट्रेस कंडीशन है उसको खत्म करने के लिए मतलब पानी के पानी की कमी वाली जो स्थिति है मिट्टी की उसको ख़त्म करने के लिए दूसरा है रिलीज न्यूटेंट इन द सोयल सोल्यूशन फॉर ऑब्जॉर्बेशर्बन बाय प्लांट्स जो न्यूटेंट्स हैं मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं उनको घुलनशील बना देना जिससे कि उसको पौधे या प्लांट आसानी से ऑब्जॉर्व कर पाए इस तरीके से उसको मतलब ये कह लो कि मिट्टी के अंदर न्यूटेंट्स को रिलीज करना भाई उनको ऐसे ढीले कर देना या छोड़ देना ठीक है सोयल सोल्यूशन के अंदर जो पौधे उसको प्राप्त कर सकें ऑब्जॉर्ब कर सकें जहाँ ग्रहण कर सकें ठीक है लीच और वॉश आउट इंजरियस साल्ट फ्रॉम द सोयल जो साल्ट होते हैं या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जो उस मिट्टी के ऊपर तय के ऊपर आ जाते हैं जनरली साल्टी होते हैं तो उनको एक तो या तो वॉश करना उनको धोना हटाना जहाँ फिर उनको नीचे ज़मीन तक जहाँ कह लो कि गहराई तक ले जाने के लिए भी सिंचाई की जाती है ठीक है भाई जैसे कई बार क्या होता है कि अगर जैसे रेतीली ज़मीनें रहती हैं वहाँ पे क्या होता है कि साल्ट ऊपर आ जाती हैं ठीक है नीचे से क्योंकि पानी की कमी होती है और साल्ट ऊपर आ जाते हैं जिससे उस सर जे ज़मीन जो मिट्टी है उसका निर्माण होता है तो वही चीज़ उस साल्ट को नीचे ले जाने के लिए जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाने के लिए भी सिंचाई की जाती है जहाँ उसको रिमूव करने के लिए भी सिंचाई करते हैं उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर राइजिंग रै, क्रॉप्स जैसे पलेवा किया जाता है मतलब सिंचाई पहले सिंचाई करते हैं उसके बाद जब उपयुक्त कंडीशन हो जाती है मिट्टी की टिल्थ अच्छी बन जाती है तो उसमें बीज डाले जाते हैं मतलब फसल की तैयारी के टाइम उसकी प्रिपरेशन करने के लिए उसको उगाने के लिए फील्ड को तैयार करने के लिए उसकी उसको सिंचाई या पानी दिया जाता है फिर है टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द सोयल एंड माइक्रो क्लाइमेट एंड द एक्टिविटी ऑफ सोयल माइक्रोबीज एट द ऑप्टिमम लेवल फिर है टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है तापमान और उसमें जो मिट्टी के अंदर आदरता है उसको मेंटेन करना जहाँ फिर कह लो कि जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको मेंटेन करने के लिए माइक्रो क्लाइमेट जो उस पौधे के आसपास होता है ठीक है उसके आसपास का क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट तो जहाँ फिर जो जिससे कि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सूक्ष्म जीव है उनकी जो क्रियाशीलता है एक्टिविटी है उसको हाइएस्ट जहाँ कह लो कि अधिकतम स्तर तक ले जाया जा सके मतलब वो अधिक से अधिक क्रियाशील रहें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए भी उसमें आ, पानी दिया जाता है कि उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाए उसमें जो आदरता है वो भी कंट्रो एक मेंटेन हो जाए बन जाए मतलब ऐसे नहीं कि कम हो जाए बन जाए जिससे कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाए ठीक है फिर फैक्टर फैक्टरिंग द सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर फैक्टर जो इरीगेशन वाटर को प्रभावित करते हैं सिंचाई को उसकी पानी की सिंचाई को प्रभावित करते हैं पहला है टोपोग्राफी मतलब ढालान कह लो या मिट्टी की स्थलाकृति कह लो ठीक है एंड द सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स और मिट्टी की जो गुण धर्म होते हैं जैसे कोई कोस है कोई फाइन है ठीक है मतलब सैंड है या फिर थोड़ी सी बारीक क्ले टाइप की है वो चीज़ या फिर जो टोपोग्राफी ढालान है वो सिंचाई वाले वाटर को प्रभावित करती है इसके अलावा काइंड ऑफ प्लांट भाई पौधे का कौन सा प्रकार है कि जड़ की गहराई कितनी है वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है मतलब उसको पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है ठीक है जैसे मान लो कोई एक ड्राई एरिया की फसल है और एक धान या फिर कह लो कि शुगर कैन है तो उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी और ड्राई वाली फसल को कम होगी इसके अलावा ग्रोथ हैबिट क्या है उसकी वृद्धि की जो आदत है या स्वभाव है वो कैसा है उसका उसके अलावा वेदर कंडीशंस जो मौसम कैसा है सर्दी है गर्मी है वर्षा वाला जब रेनी सीजन है तो वो भी डिपेंड करता है इरीगेशन की सप्लाई के ऊपर फिर है इरीगेशन सिस्टम्स जो बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर जनरली फॉलो किए है जाते हैं पहला है चेक बेसिन सिस्टम फिर है फोरो सिस्टम रिंग बेसिन सिस्टम बेसिन सिस्टम फ्लड सिस्टम इसके अलावा पिचर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम इसके अलावा एक और भी इरिगेशन सिस्टम जो कह लो कि फोर्स इरिगेशन सिस्टम के अंदर आ जाता है जिसमें मतलब प्रेशर से पानी भेजा जाता है स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम पर ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर उसको यूज़ नहीं किया जाता एग्रनोमी वाली फसलें या कह लो कि जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनमें ज़्यादातर उसको यूज़ किया जाता है इसलिए अपने इसमें कवर नहीं करेंगे हाँ इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना उस चीज़ को पहला है चेक बेसिन सिस्टम जैसे वैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कुछ वैसा ही होता है क्यारियाँ बनी हुई होती हैं एक ही क्यारी के अंदर मोर देन वन प्लांट होते हैं मतलब एक पौधे से ज़्यादा पौधे होते हैं प्रत्येक क्यारी के अंदर एक इरिगेशन चैनल सेंटर में से जाता है ठीक है तो इसमें होता क्या इन दिस सिस्टम इन बिटवीन टू रोज ऑफ ट्री दो पौधों की पंक्तियों के बीच में एन इरीगेशन चैनल इज प्रिपेयर एक इरीगेशन सिंचाई की जो नाली है वो बनाई जाती है द चैनल इज देन जॉइंटेड थ्रो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्ड बेड इसके बाद जो चैनल सिंचाई की नाली होती है उसको एक स्क्वायर या आयता कर जो क्यारियाँ होती हैं उनसे जोड़ा जाता है द बेड कंटेन मोर देन वन ट्री और जो क्यारी होती है उसमें एक से अधिक पौधे होते हैं ठीक है मतलब दो रो के बीच में एक सीधी लाइन जाती है और ये कह लो कि एक जो क्यारी होती है आयताकार या वर्गाकार प्रत्येक क्यारी के अंदर एक से ज़्यादा पौधे होते हैं दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पाँच भी हो सकते हैं कितने भी पौधे हो सकते हैं पर एक पौधे से ज़्यादा होता है ठीक है इसे चेक बेसिन सिस्टम कहते हैं नेक्स्ट है फ्रो सिस्टम जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है ठीक है वैसा ही दिस सिस्टम इज प्रैक्टाइज इन न्यूली प्लांटेड ऑर्चार्ड जो ये सिस्टम है विधि है ये ज़्यादातर जो नए पौधे लगाए हुए होते हैं या नया बाग लगाया हुआ होता है ओरचार्ड लगाया हुआ होता है नए नए पौधे होते हैं उस समय ज़्यादातर फॉलो किया जाता है टेकिंग द प्लांट्स इन द सेंटर एंड इरीगेशन चैनल ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर डेप्थ एंड सिक्सटी सेंटीमीटर विर्थ इज़ प्रिपेयर्ड इसमें क्या करते हैं कि पौधों को एक सेंटर में क्योंकि पौधे लाइन में लगे हुए रहते हैं तो उनको सेंटर में रखते हुए भाई पौधे को एक बीस सेंटीमीटर गहरा और लगभग साठ सेंटीमीटर चौड़ाई की एक नाली बना देते हैं सारे पौधों को एक ही नाली के अंदर ले लिया जाता है सारे तो नहीं कह सकते एक रो वाले जितने भी होते हैं उनको एक लाइन के अंदर ले लिया जाता है और प्रत्येक रो को एक मुख्य नाली जो सिंचाई नाली होती है उससे जोड़ दिया जाता है देयर इज़ वाटर सेविंग इन दिस सिस्टम जहाँ पे पानी की सेविंग uh, होती है एज ओनली लिमिटेड एरिया इज़ वेटेड इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड एरिया जो आप एक रो के अंदर यानी कि साठ सेंटीमीटर वृद्ध की एक चौड़ाई की एक नाली है बस उतनी को गीला कर रहे हो और जो जितना भी खाली फील्ड है बीच में स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो वो खाली पड़ी हुई रह रही है ठीक है एक रो के अंदर पानी जा रहा है और जो बीच वाली जगह खाली दिखाई दे रही है वो खाली रहती है हमेशा जहां पे वो गीली नहीं होती इसलिए कम पानी की आवश्यकता होती है फिर नेक्स्ट है रिंग बेसिन सिस्टम इसमें आप क्या करते हैं पिक्चर में दिखाई वैसे दे ही रहा है तो इसमें कंटिन्यू प्लांट आगे आगे जुड़ते जाते हैं वैसे ए सर्कुलर रिंग इन द पेरीफेरी ऑफ द प्लांट इज प्रिपेयर टू इरीगेट द प्लांट्स इसमें क्या होता है कि एक जो पौधा होता है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर कह लो एक थमला कह लो थमला बनाया जाता है ठीक है प्रत्येक पौधे का जो उसकी कनोपी होती है उसके हिसाब से उसमें चारों तरफ एक गोलाई में एक रिंग खोद दिया जाता है ठीक है रिंग बना दिया जाता है ट्री जब भी अपने ये रिंग बनाते हैं पौधे के चारों तरफ, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो रिंग है, वो तने से थोड़ा दूर हो बाहर की तरफ गोलाई हो मतलब जितना पौधे के ऊपर है उसका कनोपी है उसके हिसाब से उसके अंदर रिंग बनाया जाता है पर तने से थोड़ा दूर बनाया जाता है कि तने के साथ पानी टच में ना आए उसके इन बिटवीन टू रिंग्स रिंग ए सब चैनल कनेक्टिंग द रिंग्स बेसिन ऑफ द ट्री इज प्रिपेयर्ड दो जो आ, रिंग बेसिन होते हैं दोनों तरफ उनके साथ में एक अंदर से उसके बीच में से एक सब चैनल निकाला जाता है सिंचाई का ठीक है मतलब जैसे दिखाई दे रहा है जो दो पे, चार पौधे लगे उनके बीच में एक सिम लंबी आपको लाइन या कह लो कि एक चैनल दिखाई दे रहा है उसे कहा है सब चैनल ठीक है और इसको इस सब चैनल को भी नीचे एक मेन जो इरिगेशन चैनल है उससे जोड़ा जाता है द वाटर फ्लो थ्रू सेंट्रल चैनल एंड मूव अहेड नेचुरली आफ्टर फ्लडिंग टू रिंग्स बेसिन एट द टाइम एट ए टाइम मतलब इसमें क्या होता है कि पानी एक साथ प्रकृतिम रूप से जा कह लो कि प्राकृतिक रूप से दो पौधों को पहले पानी देगा नीचे वाले जो हैं ठीक है एक साथ पानी लगेगा फिर ऐसे ही पानी आगे बढ़ता जाएगा आगे वाले ऊपर वालों को दो को पानी देगा फिर ऊपर बढ़ता जाएगा फिर आगे वाले दो पौधों को पानी देगा मतलब ऐसे ऐसे पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा आगे पौधों के अंदर जाता जाएगा ठीक है दिस इज वेरी सुटेबल मेथड फॉर ऑफ इरीगेशन ग्रोइंग अप ट्रीज इन दर्चार्ड वेयर एम्पल वाटर इज अवेलेबल ये बहुत ही अच्छी जहाँ सुटेबल विधि होती है सिंचाई की जो अभी ग्रोथ कर रहे होते हैं ऐसे पौधों के लिए जब अपने पास पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है मतलब पानी अपने पास बहुत ज़्यादा है तो अपने इस विधि को अपना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी विधि होती है क्योंकि इसमें कह लो कि इसकी कई खासियत भी हैं क्योंकि इसमें पौधा अपने आप में अलग अलग पौधा है और प्रत्येक पौधा जो है आ, एक अलग इरिगेशन चैनल के साथ जुड़ा हुआ है जिससे जो एक पौधे की डिजीज़ है वो दूसरे पौधे में स्प्रेड होने का खतरा कम रहता है या फिर रहता ही नहीं है ठीक है क्योंकि पानी अपने आप में अलग अलग पौधे को जा रहा है फिर नेक्स्ट है बेसिन सिस्टम बेसिन सिस्टम क्या होता है ए बेसिन प्रिपेयर परपोर्शन टू द साइज ऑफ द ट्री इज प्रिपेयर मतलब पौधे की जो साइज होता है आकार होता है उसके हिसाब से एक बेसिन बनाए जाते हैं इसमें भी थम्बले बनाए जाते हैं वैसे उसमें तरीका अलग था जोड़ने का इसमें जोड़ने का तरीका एक लाइन के अंदर है ठीक है उसमें तो दो पौधों के बीच में निकाल दिया और पौधा अपने आप में अलग अलग जुड़ा हुआ था और इसमें प्रत्येक पौधे की जो कनोपी है उसके हिसाब से इसमें एक रिंग बनाया जाता है द तो बेसिन आर देन कनेक्टेड विद ईच विद इरिगेशन चैनल और जो आपका बेसिन होता है उस प्रत्येक को एक सिंचाई नाली के साथ जोड़ा जाता है ठीक है जैसे कंटिन्यू रहते हैं एक एक साइड सब चैनल आ गया और एक रो के अंदर जितने भी पौधे हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं एक ही सिंचाई नाली के साथ जुड़े रहते हैं मतलब पहले पहले पौधे के अंदर पानी जाएगा फिर सेकंड पौधे के अंदर फिर थर्ड पौधे के अंदर फिर फोर्थ पौधे के अंदर मतलब ऐसे पानी कंटिन्यू जाता रहता है हैंस देयर इज फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रो वाटर इफ़ एनी ट्री इज द बेसिन इज डिजीज इसमें खतरा रहता है भय रहता है कि जो पानी के साथ बीमारी फैल सकती है अगर एक भी पौधा उस आ, रोग के अंदर कोई इन्फेक्टेड है बीमारी से ग्रसित है या रोग लगा हुआ है तो पूरे के पूरे पौधे आपके प्रभावित हो सकते हैं मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं ठीक है इसमें एक खतरा रहता है जबकि जो पहले वाला इससे आपने पढ़ा था उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती रिंग बेसिन के अंदर जबकि बेसिन में आती है बेसिन ऑक्यूपाइड वेरी लेस एरिया एंड वेरी लार्ज एरिया रिमेन ऑक्युपाइड विथ ऑक्युपाइड विच कैन बी यूज फॉर इंटरकल्टिवेशन बेसिन जो है इसमें बहुत ही कम कहते uh, हैं कि एरिया की आवश्यकता होती है जगह की आवश्यकता होती है लैंड की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र होता है वो खाली पड़ा रहता है अनऑक्युपाइड रहता है और जिसको अपने आगे जो इंटर कल्टीवेशन है जैसे मान लो कि कोई फसल लेनी है अपने को अंदर कोई दलहनी फसल लेनी है जो सब्जी की फसल लेनी है वो बीच में सेंटर में लगाई जा सकती है क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो खाली पड़ा रहता है ठीक है उसमें सिंचाई नालियाँ ज़्यादा आती हैं जो पहले वाला था रिंग बेसिन के अंदर और इसके अंदर सिंचाई नाली एक ही साथ लंबी के साथ लंबाई के साथ कनेक्टेड रहती है इसलिए बीच में जो जगह खाली रहती है उसको आप इंटरकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हो पर हाँ इसमें ये है कि इसमें जो एक पौधे की बीमारी है दूसरे पौधे में फैलने का डर रहता है जबकि उसमें जो दूसरे वाली रिंग बेसिन थी उसमें ऐसा आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर अब फ्लड सिस्टम फ्लड सिस्टम जनरली अपने कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो खेत होता है जहाँ जितना बड़ा और चाड़ लगा हुआ है उसको एक साथ ही पानी छोड़ दिया जाए उसको फ्लड इरीगेशन कहते हैं बाढ़ विधि भी कह देते हैं ठीक है दिस सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एंड ईजिएस्ट टू प्रैक्टिस मतलब ये मेथड है जो बहुत ही सिंपल uh, है आसान है और बहुत ही ईजी है करने के अंदर मतलब जल्दी से किया जा सकता है द वाट इज अलाउड फॉर इरीगेशन विदाउट मेकिंग एनी बैड्स बेसिन और एनी अदर कन्फ्यूगेशन एज इन अदर मैथड्स इसमें जो पानी है उसको दिया जाता है बिना कोई क्यारी बनाए हुए ना कोई उसमें थम थाला बनाने की जरूरत है ना कोई ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है हाँ बस सीधा उसमें सिंचाई छोड़ दी जाती है द वाटर फ्लडेड द एंटायर फील्ड जो पानी है वो पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर बाढ़ की तरह दे दिया जाता है ठीक है द दिस सिस्टम रिक्वायर्ड मोर क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू इरीगेट द फील्ड एज द एंटायर फील्ड इज वेटेड इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि अपने को पूरा का को पूरा जो खेत है उसको गीला करना होता है ठीक है क्योंकि पूरे के पूरे खेत के अंदर ऐसा तो है नहीं कि पौधे बहुत पास पास लगे हुए हैं कोई एग्रोनॉमी की फसल जहाँ कह लो कि कोई आ, बहुत ही कम स्पेसिंग वाली फसल तो है नहीं बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं तो इसमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग पाँच छः ढाई तीन मीटर के आसपास रखी जाती है जहाँ होती है तो बीच वाली जो खाली जगह है उसमें भी आप सिंचाई कर रहे हो जिससे क्या होगा कि आपको खरपतवार की जो समस्या है वो ज़्यादा रहेगी भाई खरपतवारों को भी पानी मिलेगा आपका पानी भी वेस्ट जाएगा ठीक है बहुत सी इसमें कमियां हैं फ्लड इरिगेशन सिस्टम की इसलिए इसको ज़्यादातर ऑर्चार्ड के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता नेक्स्ट है पीचर सिस्टम काफ़ी अच्छी विधि है ठीक है और थोड़ी कोस्ट इफ़ेक्टिव कह सकते हो जहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए आपको बहुत ज़्यादा लागत लगती है आपके पास छोटा सा और चार्ट है वहाँ पे ये सिस्टम अच्छी तरीके से फॉलो किया जा सकता है दिस सिस्टम इज ए बून इन एरिड रीजन इन वेरी सॉरी इन व्यू ऑफ लिमिटेड वाटर सप्लाई जो कह लो कि एरिड रीजन है वहाँ के लिए ये एक कह लो कि जीवन कह लो ठीक है कि उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा विधि है जहाँ पे पानी की जो सप्लाई होती है बहुत ही कम होती है मतलब शुष्क क्षेत्रों के लिए बरानी क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे ये विधि सबसे अच्छी है जहाँ पे पानी कम होता है द पिक्चर फील्ड विद वाटर इज ब्रेड इन पेरीफेरी इफ इंडिविजुअल ट्री वे फीडिंग रूट्स आर कन्फाइंड जो पिक्चर होते हैं जहाँ कह लो कि कच्चे मटके होते हैं एक तरीके के पिक्चर जो एक कच्चे मटके ठीक है उनको जो पौधा होता है कि एक सिंगल सिंगल पौधा होता है उसकी जो चारों तरफ पेरीफेरी फेरी जहाँ उसका घेरा होता है वहाँ पे उनको दबा दिया जाता है उसके जड़ों के क्षेत्र के पास में उनको दबा देते हैं द वाटर इज रिलीज स्लोली विद द माइक्रो पोर्स अवेलेबल इन द वॉल ऑफ पिक्चर एंड टेक्स केयर ऑफ इरीगेशन इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट उसके बाद क्या करते हैं जो पानी से भर देते हैं उन मटकों को बाद में ठीक है जो मटके के अंदर कच्चा मटका है तो उसके अंदर पोर स्पेस रहते हैं जैसे पानी ठंडा होता है तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे उसमें शिदर रहते हैं उनमें से धीरे धीरे पानी रिश्ता रहता है ठीक है और जो पिक्चर होते हैं वो जनरली पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लगाए जाते हैं मतलब अगर पौधा ज़्यादा बड़ा है तो उसको दो तीन चार पिक्चर लगाए जा सकते हैं मतलब तीन चार मटके उसके चारों तरफ दबा देते हैं जिस और उनको हमेशा डेली रूटीनली भरते रहते हैं ठीक है जब भी वो खाली होते हैं उनमें पानी डाल देते हैं और धीरे धीरे पानी पौधे की जड़ों के अंदर रिश्ता रहता है द नंबर ऑफ पिक्चर पर प्लांट डिपेंड अपॉन द स्प्रेड ऑल अराउंड मतलब जो नंबर है या कह लो कि कितने पिक्चर आपको दबाने हैं पेड़ के हिसाब से ये उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई में वो फैला हुआ है फ़ोर टू फाइव पिक्चर पर प्लांट वुड भी सफिशेंट और चार से पाँच जो पिक्चर होते हैं जहाँ मटके होते हैं काफ़ी रहते हैं एक अच्छे प्लांट आ, जो पूरा वेल well डेवलप्ड प्लांट होता है उसके लिए चार पाँच पिक्चर काफ़ी रहते हैं ठीक है समझ गएगे कि एक प्लांट है जो भी उसके चारों तरफ जितने भी मटके चाहिए मटके गाड़ देते हैं कच्चे मटके ठीक है मटकों को हमेशा पानी से भर के रखा जाता है मटकों से धीरे धीरे पानी रिसता रहता है और जड़ों को मिलता रहता है जैसे ड्रिप इरिगेशन के अंदर होता है ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको आ, पंप सेट जरूरत होगी वहाँ पे फिल्टर लगाने पड़ेंगे मोटर की ज़रूरत होगी मतलब बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट आती है और वहाँ पे ये बहुत ही सिंपल मेथड है और छोटे किसान इसको आसानी से कर सकते हैं और पानी की बचत भी होती है फिर नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और इरिगेशन मेथड है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम भी बोल देते हैं ठीक है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है और कभी कभी क्या है कि ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर अकेला अपने आप में एक पाँच सॉरी पंद्रह नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो पूछा जाता है यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन भी इसके ऊपर कभी कभी पूछा जाता है तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वाटर एंड न्यूट्रेंट डिलीवरी सिस्टम फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स ड्रिप इरीगेशन सिस्टम क्या होता है कि एक कह लो कि बहुत ही एफिशिएंट वाटर सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट वाटर सिस्टम होता है मतलब एक तरीके से पानी को बचाने वाला सिस्टम होता है कि पानी की कम से कम आ, पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस पानी की ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को यूज़ किया जा सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब उससे क्रॉप लेने वाला सिस्टम होता है और इसमें आप माइक न्यूट्रेंट्स डिलीवरी भी कर सकते हो मतलब आ, जो पौधे होते हैं फसल लगी हुई होती है उसको आप न्यूट्रेंट्स जो पोषक तत्व होते हैं जैसे उर्वरक रहते हैं ठीक है एन पी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस उसको भी आप पौधों को डिलीवर कर सकते हो दे सकते हो इट इज ए सिस्टम ऑफ इरीगेशन विच सप्लाइज वाटर टू द प्लांट इक्वल टू इट्स कंजप्शन इसमें सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अपने जितने पौधे की कंजप्शन है उतनी ही मात्रा में अपने उस पौधे को पानी दे सकते हैं सिंचाई कर सकते हैं इट डिलीवर्स वाटर एंड न्यूटेंट डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इट इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम सो ईच प्लांट गेट एग्जैक्टली वट इट नीड्स सो इट कैन ग्रो ऑप्टीमली ये कह रहे हो कि जो पानी है और पोषक तत्व हैं इसको सीधा पौधे की जड़ों तक दिया जाता है जो पौधों के जड़ वाला भाग होता है वहाँ तक देते हैं ठीक है और राइट अमाउंट के अंदर देते हैं राइट अमाउंट मतलब जितनी उसको मात्रा है उतना दिया जाता है और राइट टाइम पे देते हैं जब उसको आवश्यकता है समय है, जिस समय उसको आवश्यकता है उस समय दिया जाता है जिससे पौधा को जो उस समय आवश्यक क्या कैलो की उसको क्या उस टाइम जरूरत है उसके हिसाब से उसको मिल जाता है ठीक है जिससे पौधा अपने हिसाब से कैलो की ऑप्टिमली ग्रोथ करता है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है ए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स दो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है उसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं सक्शन रेगुलेशन कंट्रोल एंड डिस्चार्ज सक्शन मतलब उसको चूषण वाला और रेगुलेशन नियमन करने वाला कंट्रोल ठीक है रेगुलेशन उसको नियमन करने वाला कंट्रोल भी एक तरीके का नियंत्रण और डिस्चार्ज उसको छोड़ने वाला विच आर वाटर लिफ्टिंग पंप ठीक है जो कि जिसमें कि एक वाटर लिफ्टिंग पंप होता है पानी को उठाने वाला पंप सेट होता है इसके अलावा हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होता है सैंड uh, फिल्टर होता है फर्टिलाइज़र मिक्सिंग टैंक होता है स्क्रीन फिल्टर होता है प्रेशर रेगुलेटर होता है वाटर मीटर्स होते हैं मेन लाइंस, लेटर लाइंस एंड कंप्लीट विद ट्रिपल्स जिसके अंदर मतलब एक तो पानी उठाने वाला पंप होगा हाइड्रोसाइकलिक फिल्टर फिल्टर और सैंड फिल्टर होगा इसके अलावा फर्टिलाइज़र मिक्सर मिक्सिंग करने वाला जो मतलब फर्टिलाइजर डाल जो न्यूट्रेंट्स देने हैं पोषक तत्व देने हैं उनके लिए एक टैंक बना हुआ होगा ठीक है उसमें डाल के मिक्स करके देने हैं इसके अलावा स्क्रीन फिल्टर लगा हुआ होगा ठीक है इसके अलावा प्रेशर रेगुलेटर होगा प्रेशर रेगुलेटर तो कि भाई कितने प्रेशर के अंदर अपने आगे देना है उसको रेगुलेट करेगा कि ज़्यादा प्रेशर ना जाए कि पाइपें फट जाए इतना प्रेशर ना दे उसको रेगुलेट करने वाली चीज़ उसके अलावा वाटर मीटर होगा कि भाई तो कितना प्रेशर चल रहा है वो दिखाने के लिए एक मीटर लगा हुआ होगा मेन लाइन होगी ठीक है जो मेन लाइन फिल्टर से निकल के पानी देगी उसके बाद लेटरल लाइन होंगी ठीक है लेटरल लाइन जो बिछी हुई रहती है ब्लैक कलर की उसके बाद उनमें से ड्रिपर निकले हुए होंगे ड्रिपर दो तीन टाइप के होते हैं जो बड़े और चार्ट रहते हैं वहाँ तो ड्रिप लेट्स होते हैं ड्रिपलर्स जहाँ ड्रिपलेट्स अलग से एक पतली पतली पाइपें से निकली रहती हैं और जितनी पौधे की आवश्यकता होती है उतने हिसाब से उसमें ड्रिपर लगा दिए जाते हैं जैसे पिक्चर वाली बात की तीन चार पित्तर पित्तर एक पौधे के हिसाब से लगाते हैं कि उसको पानी की पूर्ति हो जाए वैसे ही कोई बड़ा पौधा है पहले छोटा है तो उसमें एक ड्रिपर लगा हुआ है जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसमें दो उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी दो ट्रिपर लगा दिए तीन ड्रिपर लगा दिए जैसे बड़ा होगा चार ड्रिपर लगा दिए पानी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ठीक है इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ फसलों के अंदर जैसे कोई वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो या स्ट्रॉबेरी की कल्टिवेशन कर रहे हो तो वहाँ पे उसी लाइन जो लेटर लाइन होती है उसके अंदर ही छेद बने हुए रहते हैं लेटरल लाइन के अंदर ही जो ड्रिपर की तरह काम करते हैं मतलब उनमें से बूंद बूंद निकलती रहती है वहाँ पे एक फिक्स स्पेसिंग रख रखी हुई होती है उन ड्रिपर की लगभग एक फिट के आसपास की होती है तो उनमें फिक्स्ड होते हैं ठीक है फिर वाटर लिफ्टिंग पंप इज नेसेसरी टू सप्लाई वाटर प्रेशर मतलब वाटर लिफ्टिंग पंप की जो आवश्यकता होती है वो इसलिए होती है कि वो एक प्रेशर के अंदर पानी सप्लाई कर सके ठीक है आफ्टर लिफ्टिंग द वाटर पासिस थ्रू हाइड्रोसाइक्लिन फिल्टर सैंड फिल्टर फर्टिलाइजर मिक्सिंग टैंक एंड स्क्रीन फिल्टर जो आ, जब उस पानी को उठा लेता है लिफ्ट हो जाता है ठीक है उसके बाद जो पानी है वो पहले तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होता है उसमें से गुजरता है एक बड़ा सा टैंक फिर उसके अलावा एक सैंड फिल्टर भी बहुत बड़ा टैंक लगा हुआ रहता है उसमें से निकलता है उसके बाद एक फर्टिलाइजर मिक्सिंग टैंक बीच में एक सेंटर में लगा हुआ रहता है जो स्क्रीन फिल्टर के और सैंड फिल्टर के बीच में लगा हुआ रहता है कभी कभी तो आजकल जो थोड़े से अलग तरीके के उसमें टैंक की जगह एक पाइप सक्शन पाइप दी हुई रहती है भाई सीधा एक बाल्टी में गोलो, बकेट में गोलो जो भी आपके फर्टिलाइजर हैं और सक्शन पाइप को डालो अंदर उसके डुबो दो और ऊपर से उसका वाल्व खोल दो वो अपने आप ही सक कर लेती है जितना भी फर्टिलाइजर आपको देना है और कई कई जो एडवांस है वहाँ पे एक टैंक बना हुआ रहता है एक अलग से जिसमें फर्टिलाइजर डाल दिए जाते हैं और धीरे धीरे वो जाते जाते हैं अंदर ठीक है फिर इसके अलावा आ, स्क्रीन फिल्टर नेक्स्ट इसके बाद स्क्रीन फिल्टर लगा हुआ होता है जिसमें से जो बहुत ही कह लो कि महीन कण होते हैं उनको भी वो छान देता है बिल्कुल क्योंकि ड्रिपर होते हैं वो बंद हो जाते हैं चौक हो जाते हैं अगर उनमें से थोड़ा सा भी कचरा आ जाए या थोड़े से मोटे कण कोई फर्टिलाइजर के या मिट्टी के चले जाएं तो वो ड्रिपर बंद हो जाते हैं इसलिए उनको बचाने के लिए स्क्रीन फिल्टर आगे लगा हुआ रहता है जो बहुत पानी को बिल्कुल छान देता है बिल्कुल साफ़ कर देता है ठीक है इसके अलावा स्क्रीन फिल्टर के बाद वो मेन पाइप से होता हुआ जो लेटरल लाइन्स होती हैं वहाँ तक पहुँचता और फिर ड्रिपर के अंदर जाता है पानी ठीक है और ऐसे ही आगे आ, क्या कहते हैं कि पानी आगे जाने के लिए स्प्रिंकलर के अंदर भी यही सिस्टम होता है सारा बस आगे जो मेन पाइप के अंदर स्प्रिंकलर लगे हुए रहते हैं ठीक है बड़े मतलब एक फुहरे लगे हुए रहते हैं आगे आ, उसके भी कई पार्ट होते हैं ठीक है आप वैसे एग्रोनॉमी के जो कोर्स हैं उसमें ये सारा कुछ आई जाएगा स्प्रिंकलर वाला वैसे पढ़ लेना इम्पोर्टेंट होता है ये भी पर हाँ अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर इतना इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है तो इसलिए अपने इसको कवर नहीं करते ठीक है इसके अलावा रिलेटिवली कोर्स पार्टिकल आर फिल्टर थ्रू हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर जो मोटे कण होते हैं वो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर उसको फिल्टर कर देता है रिलेटिवली फाइन पार्टिकल थ्रो सैंड फिल्टर एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स थ्रो स्क्रीन फिल्टर बहुत ही जो पतले या बारीक कण होते हैं वो स्क्रीन फिल्टर उसको फिल्टर कर देता है दीज आर असेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ वाटर थ्रू द ड्रिपर ड्रिपर्स अदरवाइज द ड्रिपर में बी क्लब अगर नहीं तो ऐसा नहीं करते तो ड्रिपर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं चौक हो जाते हैं एडवांटेज और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम एडवांटेज क्या है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम की पहला तो हाई कंसिस्ट क्वालिटी ईल्स हाई कंसिस्ट मतलब एक आ, कंसिस्ट रुकी हुई जहां एक जैसी ही उपज प्राप्त करने के लिए ठीक है स्थिर कह लो ठीक है वाटर सेविंग, नो ऑफ नो, नो वेस्ट पानी की ज़्यादा से ज़्यादा कह लो कि सेविंग करने के लिए ना तो इसमें एवोपरेशन होता है क्योंकि पानी ओपन नहीं जाता ओपन लेटरल लाइनों के अंदर नहीं जाता ना रन ऑफ होता है ना बाहर बिखरता है किसी तरीके से कोई लीक हो रहा हो ऐसा नहीं ना कोई वेस्ट होता है पानी ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा पानी की सेविंग होती है इसके अलावा हंड्रेड परसेंट लैंड यूज़ आप जो पूरा का पूरा फील्ड है उसका यूज़ कर सकते हो ड्रिप इरीगेट इवें इवेंली अक्रॉस एनी टोपोग्राफी एंड सोयल टाइप्स जो ड्रिप इरिगेशन जो होता है इरीगेट्स होता है ये कह लो कि किसी भी प्रकार की टोपोग्राफी है भले ऊंचाई है भले ढलान है और किसी भी प्रकार की मिट्टी के अंदर आ, सेम तरीके से या प्रॉपर कह लो कि अच्छी तरीके से सिंचाई करता है जबकि कुछ दूसरी विधियां हैं जो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है टोपोग्राफी के हिसाब से धा दा, ढलान है तो पानी ऊपर जाएगा नहीं पीछे वाले पौधों तक नहीं पहुंचेगा, उसके लिए आपको गहरी करनी पड़ेगी खाई तो मतलब उसमें दिक्कत आती है पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें पानी प्रेशर के साथ जाना है ठीक है इसके अलावा एनर्जी सेविंग ऊर्जा का बचत के लिए जैसे ड्रिप इरिगेशन वर्क्स एट लो प्रेशर ड्रिप इरिगेशन के अंदर जो काम करता है बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर काम करता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ठीक है लगभग टू पी ए के आसपास इसका प्रेशर रहता है इससे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ढाई के आसपास रहेगा इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें पानी को धीरे धीरे उस ड्रिपर से निकलना है ना कि उसको एक स्प्रिंकलर की तरह उसको छिड़कना है जहाँ फोगर के अंदर चलाना है तो तो ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है जहाँ स्प्रिंकलर के अंदर चलाना है तो प्रेशर की ज़रूरत होती है पर यहाँ पे प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती ठीक है इसके अलावा एफिशिएंट यूज़ ऑफ़ फर्टिलाइज़र एंड क्रोप प्रोटेक्शन विदाउट लीचिंग इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है उनका एफिशिएंट यूज़ करने के लिए मतलब अपने फर्टिलाइजर दे रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मात्रा में पौधों तक पहुंचेंगे कोई लीच नहीं होगी कहीं इधर उधर खराब नहीं होगा ठीक है और इसके अलावा क्रोप प्रोटेक्शन जो है पौधे का आ, सुरक्षा है वो भी बिना किसी लीचिंग के आप कर सकते हो बिना किसी कह लो कि खराब हुए फर्टिलाइजर के आप कर सकते हो ड्रिप uh, इरिगेशन कुछ इस प्रकार का होता है जैसे आपको ड्रिपर दिखाई रहे होंगे इसमें लेटरल है ठीक है ये कुछ कह लो कि इन बिल्ट लाइन जो लेटरल लाइन होती है उन्हीं के अंदर ड्रिपर बने हुए हैं ठीक है इसके पहले एक मेन लाइन है फिर उससे पहले एक कह लो कि सैंड फिल्टर है सैंड फिल्टर तो वैसे इससे पहले होता है वैसे सैंड फिल्टर दो फिल्टर दिखाए हुए हैं एक छोटे वाला स्क्रीन फिल्टर होता है ब्लैक से कलर का जो अगर आ, आप एक्चुअल में यूनिट देखो तो ब्लैक कलर का छोटा सा आ, आपका स्क्रीन स्क्रीन फिल्टर होता है उससे पहले एक बड़ा सा टैंक सा बना हुआ रहता है आ, वो होता है आपका हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर ठीक है उसी के अंदर सैंड फिल्टर होता है तो उसके और बीच में दोनों के एक कह लो कि टैंक जुड़ा हुआ रहता है फर्टिलाइजर टैंक जहाँ एक सक्शन पाइप लगी हुई रहती है ब्लू से मतलब एक पाइप लगी हुई रहती है एक बाल्व के साथ और वो ओपन ही रहती है अगर ड्रिपर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बना हुआ है तो उसके अंदर ठीक है ये इसकी कुछ पिक्चर है थैंक यू